हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिनिक जेईई स्टडी। डियर, हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, गवर्नर चैप्टर पढ़ रहे थे। गवर्नर में हमने बात किया था लास्ट में एफर्ट, तो एफर्ट हम लोगों ने गवर्नर का फाइंड आउट कर लिया था। तो एफर्ट को किससे डिनोट करते हैं? ई बाई टू से। तो ई बाई टू ये क्या है? एक तरह का ये मेन फोर्स ही होता है कि जो स्लीप पे अप्लाइड होता है वो फोर्स ही, वो क्या है हमारा, वो हमारा है एफर्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पावर क्या होगा, कि गवर्नर पे पावर, जैसा कि आपने एफर्ट देखा स्लीप पे एफर्ट जो लगता है, वैसे ही आज हम बात करेंगे पावर का। तो एफर्ट में जब हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि पावर क्या होता है गवर्नर का। आपने स्लीप देखा होगा, गवर्नर आपने कई टाइप से पढ़ लिया है, वार्ड गवर्नर पढ़ लिया है, पोर्टर, प्रोवेल, इसके बाद फिर आपने हार्टन गवर्नर, इन सारे गवर्नर डिस्कस हो चुके हैं लास्ट क्लास में। और आज हम पावर निकालेंगे। पावर के पहले हमने क्या निकाला था? इसके पहले एफर्ट। एफर्ट किस पे था? वो स्लीप पे, जो एफर्ट मीन्स ई बाई टू से जिसको हम डिनोट करते हैं। तो हम पावर ई बाई टू में जब हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स स्लीप जितना डिस्प्लेस होगा, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पावर। चलिए डिस्कस करते हैं, पहले इसके डेफिनेशन सुन लेते हैं एक बार कि क्या होता है वर्क डन। देखो पावर एक्चुअली अगर आप देखोगे तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, बट यहाँ पे टाइम के फॉर्म में नहीं लेना, टाइम को निगलेक्ट कर देना है, केवल वर्क डन की ही बात होगी। वर्क डन क्या डियर? वर्क डन होगा वर्क डन ऑन द स्लीप। किस पे? वर्क डन ऑन द स्लीप। साथ साथ हम लिखते भी हैं वर्क डन ऑन द स्लीप, वर्क डन ऑन द स्लीव, ऑन द स्लीव, वर्क डन ऑन द स्लीव। ये क्या होगा? वर्क डन ऑन द स्लीव टू चेंज, क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए, टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन फॉर फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर। मीन्स गवर्नर की स्पीड में फ्रैक्शनल चेंज, थोड़ा सा ही चेंज हो उसके लिए, को उसकी ये चेंज होगी इक्विलिब्रियम पोजिशन, उस पर जितना वर्क डन होगा वही होता है हमारा डियर पावर, चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर। स्पीड ऑफ गवर्नर इज नोन एज पावर, इज नोन एज पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर। मीन्स कहने का ये मतलब है कि वर्कडन, जैसा क्या है कि वर्कडन अगर यहां पे हम लिखे पावर के फॉर्म में, तो ई बाई टू क्या था? आपका एफर्ट था। और उसको हम जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस कौन सा डिस्प्लेसमेंट? स्लीव डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, स्लीव डिस्प्लेसमेंट, स्लीव डिस्प्लेसमेंट, स्लीव डिस्प्लेसमेंट। जब हम एफर्ट को स्लीव डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर फाइंड आउट हो जाएगा गवर्नर के लिए, पावर ऑफ गवर्नर ई बाई टू इंटू स्लीव डिस्प्लेसमेंट। स्लीव का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा स्पिंडल एक्सिस पे, और तो कहीं होना नहीं है भाई, वहीं तो लगी है हमारी स्लीप, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अगर हम एफर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पावर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं कि अगर बात करें हम पोर्टर गवर्नर की, फॉर पोर्टर गवर्नर, फॉर पोर्टर गवर्नर, ये कैसा गवर्नर है? डेड वेटेड। फॉर पोर्टर गवर्नर यहां पे क्या है कि जितने भी इसके आर्म्स हैं वो आर्म्स जो है इसको इक्वल हैं, इक्वल लेंथ के हैं। इफ ऑल आर्म्स आर इक्वल लेंथ, और इक्वल लेंथ सारे कैसे हैं? इक्वल लेंथ के सारे आर्म्स हैं। तो और क्या है कि जो वो किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? उसके पाइवेटेड पॉइंट पे। आपने देखा है ना, ऐसे होता है स्पिंडल एक्सिस हमारी यहां होती है और ये आर्म इधर इधर, ऐसे कुछ होता है आपने देखा होगा ना, तो ये ऐसा होगा, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगी। तो मैंने आर्म की बात की तो सारी आर्म्स होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। और आपका एंगल यहाँ थीटा बना करता था और यहाँ पे बीटा, तो जो ये आर्म्स है ये और ये लिंक, सारी लिंक्स आर्म्स क्या होंगी? वो इक्वल होंगी। इफ ऑल आर्म्स आर इक्वल लेंथ एंड इंटरसेक्ट, एंड इंटरसेक्ट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? ऑन स्पिंडल एक्सिस, ऑन स्पिंडल एक्सिस, ऑन स्पिंडल एक्सिस, स्पिंडल एक्सिस पे इंटरसेक्ट भी करेगी।
तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और क्या होगा, ए इक्वल टू एच। ये ए और एच क्या है, आपको पता होगा ना, हाइट ऑफ गवर्नर ये एच होती है, और ये यहां से यहां तक बॉल से लेके लोअर पॉइंट तक की जहां पे स्टॉपर होता है वहां तक की डिस्टेंस क्या हुआ करती थी हमारी ए। तो ए एच के इक्वल है और थीटा बीटा के इक्वल है, मींस वर्टिकल एंगल और लोअर लिंक एंगल, लोअर वर्टिकल एंगल वो क्या है बेटा, दोनों इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल होगा और साथ ही साथ पावर अगर अब हम देखें कितना आएगा, पावर पावर को हम ई बाई टू इंटू स्लिप डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ गवर्नर, क्या लेंगे डियर, टू इंटू हाइट ऑफ गवर्नर, कितना करना है, टू इंटू हाइट ऑफ गवर्नर, क्योंकि हाइट ऑफ गवर्नर क्या हो जाएगी वो हमारी, वो हो जाएगी एच, तो रहेगी अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो एच वन, एच वन लेंगे वो थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। आप यहाँ लिख लो टू इंटू हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, तो पावर का फॉर्मूला यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, पावर कितना होता है ई बाई टू इंटू टू इंटू हाइट ऑफ गवर्नर। तो आपने देखा कि इंटरसेक्ट करेगा स्पिंडल एक्सिस पे तो थीटा बीटा के इक्वल हो जाएगा और ए एच के इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है कि फॉर पोर्टर गवर्नर एफर्ट कितना होता है ई बाई टू, वो कितना होता है, वो हमारा होगा जो C अपॉन 1 प्लस के इंटू ब्रैकेट 2 mg प्लस कैपिटल एम होगा mg ब्रैकेट 1 प्लस के, इतना ही होगा ना डियर, इतना ही आएगा हमारा E बाई टू, कितना हो जाएगा E बाई टू C इक्वल टू C अपॉन 1 प्लस के इन ब्रैकेट 2 mg प्लस mg 1 प्लस के, इतना होगा। और आपको ये भी पता होगा जब थीटा इक्वल टू बीटा है तो K क्या होगा, थीटा इक्वल टू बीटा तो क्या होगा, K की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, क्योंकि K क्या होता है टेन थीटा अपॉन टेन बीटा, और दोनों इक्वल हैं तो K की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां से हम पुट अप कर लेंगे क्या की वैल्यू ई बाई टू, और ये सी हो जाएगा और 1 1 K की वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा, और ये 2 हमने ऐसे राइट डाउन कर दिया, 2 mg प्लस कैपिटल एम जी, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये भी इसके बाद कुछ चीजें हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा रिमेनिंग पार्ट होगा सी, जी को भी कॉमन ले लो आप, तो आपका आएगा यहाँ पे एम प्लस एम, इतना ही आएगा ना, वेरी गुड। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, ये हमारा अभी तक एफर्ट ही फाइंड आउट हुआ है और कुछ नहीं। आगे हम निकालेंगे अब हाइट, हम बात करेंगे हाइट की, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, हम बात करेंगे कि हाइट हाइट कितनी होती है गवर्नर की। देखो हाइट जो लेना है वैसे आपको तो एच पता है, बट हम जब स्पीड चेंज करेंगे, अगर एच के टाइम पे जो हमारी स्पीड वो ओमेगा होती है, और अगर स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए मीन्स 1 प्लस C ओमेगा हो जाए तो हाइट एच वन होती है। कहने का मतलब ये है एच पे ओमेगा होगी एंड एच वन पे कितनी होगी 1 प्लस C ओमेगा, ये क्या है स्पीड हमारी, स्पीड दिस इज स्पीड, दिस इज न्यू स्पीड, ओके। सी क्या है फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, सी क्या है फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड। तो एच वन हाइट तब है जब स्पीड क्या है इंक्रीज कर गई, और एच कब है जब स्पीड हमारी ओमेगा ही है। तो हाइट कितनी आ जाएगी, आपको हाइट पता होगी आई थिंक, एच कितना होता है, जो हमारा एच होता है वो होता है 2 mg, 2 mg प्लस mg 1 प्लस के अपॉन 2 m ओमेगा स्क्वायर, इतना होता है आई थिंक आपको ये बात पता ही होगी। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं हाइट कितनी आएगी, एच इक्वल टू 2 mg प्लस mg 1 प्लस के ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2 m ओमेगा स्क्वायर, इतना आपका आ जाएगा 2 m ओमेगा स्क्वायर, ये पार्ट आपका आ जाएगा। ये तो था ओमेगा पे, अब क्या है एट 1 प्लस C ओमेगा, इस पर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस C ओमेगा पे, एच वन होगी हाइट इस पर, ये हमारा 2 mg प्लस m
जी वन प्लस के, ओके। यहां पे ओमेगा की जगह हम वन प्लस सी ओमेगा रखेंगे, ये 2m तो ऐसा ही रहेगा, और साथ साथ ये 1 प्लस ही होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, डियर इतना हो जाएगा। ओके, जब इतना हो गया तो हमें करना क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू तो 1 रखनी है, k की वैल्यू हम 1 रख लेंगे, बट उसके पहले कुछ चीजें आप देखो, और h1 अपॉन h कर दें तो कुछ आएगा क्या, यहां से अगर h1 अपॉन h करें तो देखो आप कुछ चीजें फाइंड आउट हो सकती हैं यहां से। ये 2mg ऊपर का पार्ट तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये नीचे बचेगा आपका 1 अपॉन सी होल स्क्वायर, इतना ही आएगा ना ये वाला पार्ट। भाई इतना पूरा किया, ये कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस सी होल स्क्वायर इतना आएगा, बाकी 2m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने अगर इसको किया इतना ही तो आएगा ना, आप इसको ऐसे कर लो, अंडरलाइन कर लो इसको, मीन्स अंडर राउंड कर दो। इसके बाद आपको करना क्या है कि H1 भी आ गया हमारा और H भी आ गया, और हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स हाइट निकालना है किसकी, स्लेप की, इसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं अब। चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लेप कितना होगा, 2 होगा यहाँ पे, 2 × H − H1। ये H − H1 क्यों कर रहे हैं भाई, अगर स्टार्टिंग में स्लिप जो थी, अगर यहाँ पे कहीं थी स्लिप, हाइट H थी, बट जैसे ही स्पीड थोड़ा इंक्रीज की तो हाइट H1 होगी, मींस कम हो गई ना, तो H − H1 करेंगे। और आपको पहले बताया कि 2 × हाइट हमें लेना है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है स्लिप का, 2 × हाइट, यही तो होता है ना, 2 × हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर H1 है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इजी हो गया। आप तो 2 किया यहां, आप क्या करो कि H1 ले लो, H ले लो कॉमन, H को कॉमन लेने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 − H1 / H इतना कर दो आप। इसके बाद H को ऐसे ही रहने दो, बाकी इसके प्लेस पे आप ये पुट अप कर दो, यहां पे आप पुट अप कर दो 2H, ये आ जाएगा पार्ट आपका 1 − H1 / H की जगह इसे कर दो आप 1 / 1 + होल स्क्वायर, ये पार्ट आपका यहां से हो जाएगा, है ना डियर, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा स्मॉल बन जाएगा, तो ये 2H आप ऐसे रहने दो, और बाकी उसको ब्रेक करके ओपन कर दो, उसको पूरा ओपन करो, देखो कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे क्या आएगा, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। आपका यहां से आप करोगे तो ये आ जाएगा, ये 1 − 1 / 1 सी स्क्वायर प्लस 2c, इतना ही आएगा ना, इतना ही तो आएगा, वेरी गुड। और आपको ये भी पता है कि c क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड है, फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड ही है ना, और ये पता है कि फ्रैक्शनल चेंज मीन c इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बिकॉज c इज स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी है, तो सी स्क्वायर क्या होगा भाई, अगर सी ही स्मॉल है सी स्क्वायर, तो और उसका स्क्वायर, जैसे अगर आप छोटे नंबर का स्क्वायर करो, 2 का करोगे तो 4 आएगा, बट 1 का करोगे तो 1 आएगा, और 1 से कम का करोगे तो और कम आएगा ना, तो वैसे ही जब सी स्मॉल है सी स्क्वायर ऑल्सो स्मॉल होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सी स्क्वायर मे बी नेग्लेक्टेड, मे बी नेग्लेक्टेड, मे बी नेग्लेक्टेड। और कितना हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे, 2H ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट, सी स्क्वायर गया 1 + 2c, ये पार्ट इधर गया, 1 1 कैंसिल, ऊपर बचा 2c, इतना आपका आ जाएगा। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहें तो यहां से पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया है और एफर्ट भी मिल गया है, एफर्ट हमने यहां पे निकाला था, इधर हमने एफर्ट फाइंड आउट किया ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वाला पार्ट से जो हमने निकाला स्लिप डिस्प्लेसमेंट, इसको रख देते हैं। अब यहां से पावर निकालो, पावर कितना आ जाएगा, E/2 कितना आया है, लो यहां पे लिख लो, E/2 × हाइट ऑफ गवर्नर, और 2 × हाइट ऑफ गवर्नर करना है, 2 × हाइट ऑफ गवर्नर, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लिप लिख दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लिप लिख दो,
ओके हम यही लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव। चलिए इसको पुट अप कर दो, e by 2 कितना आया है आपका, आया होगा c और फिर जी एम प्लस कैपिटल m, सी जी एम प्लस कैपिटल m, लिखो इधर सी जी एम प्लस कैपिटल m, कितना आया ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, इनटू लगाओ 2 रखो, h रखो 2c और फिर 1 प्लस 2c, कितना आ गया आपका, कितना आ गया है, वेरी गुड। इसको चाहो तो और सॉर्ट आउट कर लो, ये c कर दो इधर और ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 गया 2 2 4, और ये वाला c और ये वाला c स्क्वायर हो गया, और आपका यहाँ पे अपॉन g और h एक साइड कर दो, g इंटू h, बाकी आप ऊपर लिख लो m प्लस कैपिटल m, ओके डियर, नीचे आपका 1 प्लस 2c आएगा, तो m प्लस कैपिटल m 4c स्क्वायर इतना आया है आपका, और जी एच भी साथ में रहेगा अपॉन 1 प्लस 2c, इतनी चीजें आपकी होंगी, इतनी है, ये आपका पावर फाइंड आउट हो गया है। ये इसको आप कर लो अंडर रेक्टेंगल कर लो यार, ओके कितना आया पावर हमारा m प्लस कैपिटल m, ये m क्या है, मास ऑफ फ्लाई बॉल एंड दिस m मास ऑफ स्लेव, 4 तो आया यहां से, c तो पता है आपको क्या है, ये फ्रैक्शनल चेंज है, तो ये चीजें यहां से फाइंड आउट होगी। देखो ये तब है जब k की वैल्यू 1 है, सारे आर्म्स जो हैं गवर्नर के लिंक जो आर्म्स हैं वो इक्वल हैं, पॉटर गवर्नर में बात हो रही है, बट अगर हम क्या करें कि k की वैल्यू 1 ना लें, इफ k डज नॉट इक्वल टू 1 मींस सारे आर्म्स इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो क्या होगा, तो हमें अब पावर जो निकालना होगा वो कितना आएगा पावर, अब e by 2 की वैल्यू देखो हम क्या रखेंगे, जो ऊपर सबसे पहले फॉर्मूला हमने लिखा था उसको डायरेक्ट लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम k की वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे, c इसको रखेंगे डायरेक्ट यहां से हम, ओके डियर चलिए इसको हम पुट अप करते हैं डायरेक्ट, तो हमारा आ जाएगा e by 2 कितना होगा c अपॉन 1 प्लस k ब्रैकेट में 2 mg प्लस m जी 1 प्लस के, इतना आ जाएगा क्या, ये तो आया एफर्ट e by 2 आया है, और साथ साथ आपका क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीप, और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना होगा 1 प्लस के, यहां पे या फिर चाहो तो ऐसे लिख दो 1 प्लस के, लिखो डायरेक्ट 1 प्लस के, और h h माइनस h1 करना, h माइनस h1, ओके h माइनस h1, इतना पार्ट आपको करना है, तो ये पार्ट आप यहां से कर लोगे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, तो इतनी चीजें यहां से करो, चाहो तो आप इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अलग अलग कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके चलो मैं डिस्प्लेसमेंट यहां पर निकाल ही देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस के लिए है, ओके डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लेव व्हेन k इक्वल डज नॉट इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा, वो आएगा 1 प्लस k और h माइनस h1, कितना आएगा क्या, तो 1 प्लस k ऐसे रहने दो और h माइनस h1, तो यहां पे h कॉमन ले लो, आप h ले लो कॉमन, h को कॉमन ले लीजिए आप, ओके तो h मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस h1 अपॉन h, इतना आया क्या, आ गया ना, वेरी गुड, तो सीधे ऐसे लिखो 1 प्लस k, h लिख दिया, फिर ये पार्ट 1 माइनस, और कितना आया था यहां से, ये वाला पार्ट हमारा कितना आ गया था, ये पार्ट हमारा फाइंड आउट हुआ था h की वैल्यू, ये आ गई थी ना 1 माइनस 1 अपॉन, डायरेक्ट इसको ले सकते हैं क्या, हम डायरेक्ट ले सकते हैं ना 2c अपॉन 1 प्लस 2c, इतना तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कर दो इसको, आप डायरेक्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है 2c, क्योंकि क्या मतलब दोबारा स्टेप को बढ़ाएं 2c अपॉन 1 प्लस 2c, तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट, इतना आ गया है डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस k, कितना आ जाएगा हमारा
वन प्लस के एस तो रहेगा ही रहेगा, टू सी अपॉन वन प्लस टू सी, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है। और साथ साथ अब हम पावर निकाल लेंगे, जैसा कि फार्मूला आपको यहाँ पर लिखा है दिख रहा होगा, सी है जी अंदर सब कुछ मल्टीप्लाई है, तो आपको दिया है टू एम एम, टू एम प्लस एम, वन प्लस के, इतना दिया हुआ है ना, दिया है ना डियर, वेरी गुड। और साथ साथ हम डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी ही इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, हम सी को बाहर कर दूं, सी इंटू जी वन प्लस के कर दूं, ओके, और ये हमारा हो जाएगा टू एम प्लस कैपिटल एम वन प्लस के, इतना होगा क्या है ना, ये वाला पार्ट वन प्लस के, मीन्स इस वाले पार्ट को पूरा यहाँ पे पुट अप कर दो, वन प्लस के इंटू एच टू सी अपॉन वन प्लस टू सी, इतना आएगा ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इजी करेंगे, छोटा हो जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट, ओके दिख रहा है, और सी जी सब लेके चले जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप टू कॉमन ले लो, इस वाले में से टू कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा m प्लस एम बाई टू, और ये आ जाएगा वन प्लस के, ऐसे रहेगा, इतना आएगा ना, ओके। टू मैंने कॉमन लिया है, और जो टू कॉमन लिया है वो टू इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, उस टू को हम कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, चाहो तो यहाँ टू लिख लो और सी जी इधर लिख दो, एच को यहाँ रखो, जी को यहाँ रखो, सी इधर लेके चले जाओ, टू सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वन प्लस टू सी, इतना होगा क्या, टू सी इधर रखा, एक सी यहां से लेके आया, टू सी स्क्वायर हो गया अपॉन वन प्लस टू सी, इतना हो गया है। इतने पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे आई थिंक, और जी भी लिख दिया, एच भी लिख दिया, बाकी टू को भी आप उधर ही लेके चले जाओ, टू की भी आप उधर ही लेके जाओ, तो एम यहां से आएगा, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लो, टू इधर कर दो अगर आपको मन हो तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है खास, रहन दो ऐसे ही, एम अपॉन एम, ये कैपिटल एम है भाई, दिस इज कैपिटल एम, एम वन प्लस के, ओके अपॉन टू, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, जी इन टू एच कर दिया मैंने, और ये टू इधर आ गया, तो हो जाएगा आपका फोर सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू सी, इतनी पार्ट आपके हो गए, ये हमारा फाइंड आउट हो गया पावर, कब, जब k does not equal to 1 होगा तब, when k does not equal to 1 for Porter governor है, for Porter governor, जब Porter governor होगा k की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, तब फार्मूला आपका ये आएगा, बट अगर k की वैल्यू 1 होती है तो आपको फार्मूला जैसे यहां पे दिखाया गया था, तो ये वैल्यू आएगी पावर की, पावर किसका है, ये गवर्नर की पावर की बात हो रही है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एफर्ट की ना, तो वैसे ही यहाँ पे आज पावर की बात हो रही है। तो डियर हमने आज बड़ी शानदार तरीके से डिस्कस किया पावर की क्या होता है, गवर्नर का पावर कितना होता है, एफर्ट जो होगा ई बाई टू, ई बाई टू में आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लिप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पावर फाइंड आउट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लिप कितना होता है, एच हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर होगा इंटू टू कर दोगे तो वो चीजें भी बड़ी आसान तरीके से निकल जाएंगी। इसके बाद हमने केस लिया एक पॉटर गवर्नर की, और वहां पे हमने सपोज किया था कि सारे जो आर्म्स हैं वो इक्वल हैं, इक्वल लेंथ के, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, स्पिंडल एक्सिस पे, स्पिंडल एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि थीटा बीटा के इक्वल हो गया, तो ऑब्वियस होना ही होना है, क्योंकि जब सारे आर्म्स इक्वल होंगे तो सिमिलरिटी बन जाएगी और थीटा बीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसके बाद ए और साथ ही साथ ए और एच भी इक्वल होगा, एच क्या था हाइट ऑफ गवर्नर, और ए क्या था बॉल की जो हाइट थी कहां से, लोअर स्टॉपर से, वो दोनों इक्वल होंगे, और जब थीटा बीटा के इक्वल है तो के की वैल्यू भी इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि के क्या होता है टैन थीटा अपॉन टैन बीटा, तो वो इक्वल होना ही था, वो भी इक्वल हो गया। इस तरीके से दो केस निकल के आ गए, और आज की क्लास डियर यहाँ पे फिनिश होती है। तो डियर आज की क्लास को मैं भी फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।